नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खीर तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज खीर हम ब्रेड से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्रेड की खीर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। 100 ग्राम मैंने चीनी लिया है। खीर के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, काजू, बादाम और किशमिश। 1 चम्मच मैंने घी लिया है। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है मैंने। तो आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ब्रेड को मैंने यहाँ रफली तोड़ा है, आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड की खीर बनाते समय ब्रेड के कॉर्नर्स को हटा भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हमें ब्रेड को भुनना है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस डाल देंगे और डाल के मीडियम आंच पे इसे हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, ब्रेड को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, ब्रेड को हमें बस हल्का सा भुनना है। आप चाहें तो ब्रेड को बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन ब्रेड को घी के साथ भुनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे घी के साथ भुना है। ये देखिए, हमारा ब्रेड हल्का सा भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसे भुनने में मुझे 2 मिनट लगे हैं। ब्रेड हमारा भुन चुका है और दूध को भी मैंने गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। अब हम दूध को 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लेंगे ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। जब भी आप खीर बनाएं, फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें, इससे हमारी खीर बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती है। 5 मिनट हो चुके हैं और दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसके बाद हम यहीं पे ब्रेड डाल देंगे और डाल के मीडियम आंच पे ही इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। ब्रेड को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आया हो और आपके पास ज्यादा समय ना हो, तो झटपट आप इस ब्रेड की खीर को बना के सर्व कर सकते हैं। खीर को हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर गाढ़ा हो जाता है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा खीर पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा और चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद खीर को हम 1 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद दूध हल्का सा पतला हो जाता है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी खीर बनके तैयार है और इसे बनाने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और निकाल के इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने खीर की गार्निशिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पिस्ता और बादाम दोनों से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने ये खीर परिवार के 4 लोगों के लिए बनाई है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, तो झटपट आप इस खीर की रेसिपी को बना के खा सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके अपने मनपसंद चैनल रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।